हाय गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं पांच ऐसी प्री हिस्टोरिक मूवीज जो आपको जैसे उस टाइम में ले जाती है। एंड द फिफ्थ वन इज बॉम्बे, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 5.5। ये एक डिजास्टर एपिक है जो हमें माउंट वेसुवियस के इरप्शन को बताता है और कैसे उसकी वजह से एंशिएंट रोम सिटी पोम्पेई पलक झपकते ही डिसअपीयर हो जाती है। इस मूवी को इसके विजुअल्स की वजह से काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला। मूवी में एंशिएंट रोम की ब्यूटी को भी बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है और मूवी की कास्ट तो जैसे इसमें चार चांद लगा देती है। इट्स अ विजुअली अपीलिंग मूवी विच डिलीवर्स इन एक्शन सीक्वेंसेज बट समहाउ लैक्स इन स्टोरी टेलिंग। तो अगर आपको एक एंशिएंट डिजास्टर मूवी देखनी हो, इसे एक ट्राई जरूर दे सकते हैं। नाउ द फोर्थ वन इन द लिस्ट इज हरक्यूलिस, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6। ये ग्रीक हीरो हरक्यूलिस पर एक मॉडर्न टेक है विच ऑलमोस्ट डिलीवर्स एवरीथिंग इट प्रॉमिस्ड। ये स्टोरी है एक मर्सिनरी की कि कैसे उसका पास्ट उसको हॉन्ट करता है और कैसे वो लोगों के लिए गॉड बन जाता है। आखिर क्या है उसका पास्ट और क्या वो सही में ज्यूस का बेटा है, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी है। मूवी हैज अपीलिंग विजुअल्स और इसका बीजीएम आपको जैसे उस टाइम में टेलीपोर्ट कर देता है। आई डोंट थिंक कि ड्वेन जॉनसन के अलावा कोई और इस रोल को इतना ब्यूटीफुली पोर्ट्रे कर पाता। कास्टिंग ऑफ दिस मूवी इज ऑन पार। तो अगर आपको ग्रीक माइथोलॉजी अट्रैक्ट करती है, ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी। द थर्ड वन इन द लिस्ट इज एल्फा, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6.6। ये स्टोरी है एक हंटर की बेटे की जो कि एक यंग वॉरियर है और जब वो अपने लोगों के साथ हंटिंग करने जाता है, देन समहाउ ही वॉज लेफ्ट अलोन। अब क्या कभी वो अपने घर वापस आ भी पाएगा और वो कैसे सर्वाइव करेगा उस एनवायरनमेंट में जहाँ किसी नॉर्मल पर्सन के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कैसे ह्यूमन और एनिमल में एक बॉन्ड बनता है, ये सब जानने के लिए आप मूवी देखें। मूवी ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप को बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाती है एंड इट शोज अस द हार्श ब्यूटी ऑफ प्री हिस्टोरिक एरा। इस मूवी का VFX आपको कहीं भी निराश नहीं करेगा एंड इट्स अ ब्यूटीफुली क्राफ्टेड मूवी जिसके विजुअल्स आपको जैसे उस एरा में ले जाते हैं और मूवी देखते देखते आप इससे कनेक्ट कर पाते हैं। जिन लोगों को प्री हिस्टोरिक एरा की एक इमोशन हैवी मूवी देखनी हो जो कि आपको अपनी ब्यूटी से मैसमराइज कर दे, देन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस वन। द सेकंड वन इन द लिस्ट इज 300, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.6। ये स्टोरी है 300 स्पार्टन वॉरियर्स के वेलर और ब्रेवरी की और कैसे वो एक फॉल्स गॉड किंग की लाखों की आर्मी के अगेंस्ट अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इंटेग्रिटी के लिए फाइट करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी के विजुअल्स इसे एक डिफरेंट आइडेंटिटी देते हैं और उन्हें देखकर आपको समझ आता है कि ये तो VFX है पर उसे इतना ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया है सच दैट यू स्टार्ट आस्किंग फॉर मोर ऑफ दैट। इस मूवी में स्लो मोशन शॉट्स का भी बहुत ही बेहतरीन यूज किया गया है। मूवी मेनली अपने वॉर सीक्वेंसेस पर फोकस करती है। तो अगर आपको एक हिस्टोरिकल मूवी देखनी हो जो कि स्पार्टन वॉरियर्स को एक प्रॉपर ट्रिब्यूट प्रोवाइड करे, तो ये मूवी मिस ना करें। द फर्स्ट वन इन द लिस्ट इज ग्लैडिएटर, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 8.5। ये जर्नी है एक वॉरियर की रिडेम्पशन की जो कभी अपने किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वॉरियर हुआ करता था बट ड्यू टू सम हार्ट ब्रेकिंग रीजंस ही वॉज लेफ्ट अलोन टू डाई। क्या वो बच भी पाएगा और अगर बच गया तो कभी पूरा भी हो पाएगा एंड विल ही बी एबल टू गेन बैक ऑल द रिस्पेक्ट ही लॉस्ट। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मूवी देखने पर मिलेंगे। इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी स्पेशली जो वॉर सीन्स हैं वो आपको कहीं जाने नहीं देते। सारे एक्टर्स की एक्टिंग बहुत अच्छी है जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है मूवी की सक्सेस में। जिन्हें पीरियड ड्रामास पसंद हैं, दे कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस वन। अगर आपको लगता है कि हमने कोई मूवी मिस कर दी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम अगली वीडियो में उसे इंक्लूड कर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज शो अस सम लव, दैट विल मोटिवेट अस टू वर्क इवन हार्डर। सो बी सेफ, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।